पानी हम जल्दी जल्दी पहुंचा देंगे, उसके बाद फुर्सत, फिर हम आराम से घूम सकते हैं। अरे अंता जी, जल्दी कीजिए ना, हम कब से खड़े हैं, अभी तक घर के सारे काम बाकी हैं। अंता जी, हमें खेतों में काम करने जाना है। हाँ। अरे खाना भी पकाना बाकी है, जल्दी कीजिए ना। हाँ हाँ, हमें जाना अरे है। अरे कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। हाँ। कहीं मटका फूट ना जाए। हाँ हाँ। आराम से, आराम से, हमें पानी भरने दीजिए। आराम से, आराम से, आराम से। हम साई के आसपास रहते हैं, क्या पता हमें उन्हें खुश करने का मौका मिल जाए और फिर वो हमें पुरस्कार दे दे। चलो। ये ऐसे कैसे चलेगा? बहुत देर हो रही है। अरे क्या हुआ भीवा? देखिए ना साई, ये अंता पंता हम में से किसी को भी कुएं से पानी भरने नहीं दे रहे। कहते हैं दीवार बनाने के लिए सबसे पहले पानी ये ले जाएंगे। देखिए ना साईं, हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पानी की और इन्हें अपने दीवार की पड़ी है। हम सबके घरों की रसोई का काम पड़ा है अब तक, तो हमें उससे क्या? यहाँ वही होगा जो हम तय करेंगे। और आप लोग ये मत भूलिए कि ये दीवार आप लोग की सुरक्षा के लिए ही बनाई जा रही है। अंता जी, मैं समझता हूँ कि दीवार बनाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता है, लेकिन इनकी जरूरत को भी समझिए ना। सुबह का समय है, सभी के घर पानी की जरूरत पड़ती ही है। एक दो घंटे में कुआं खाली हो जाएगा, फिर आप दीवार बनाने के लिए जितना चाहें उतना पानी ले सकते हैं। और सोचिए, अगर आपके श्रमिकों के घर पानी नहीं पहुंचा तो क्या वो समय से काम पर पहुंच पाएंगे? ए बैरागी, हमारे मजदूरों के बारे में और हमारे काम के बारे में तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सरकार के कुएं से पानी क्यों नहीं ले रहे? अरे वाह, अरे वाह वाह, दीवार बनेगी गांव वालों के लिए और पानी आएगा सरकार के कुएं से। हाँ, वो सरकार का निजी कुआं है, काम सार्वजनिक है तो पानी सार्वजनिक कुएं से ही जाएगा। सुन लिया तुम सबने? अरे काम चोरो, तुम लोग खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? चलो जल्दी जल्दी पानी भरो और कोई आके रोके तो उसे कुएं में धकेल देना। चलिए पंता जी, चलिए। सही रहने दीजिए, इन्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। अब आप ही बताइए कि क्या करें। समस्या ये है कि कुएं पर चरखी केवल एक लगी है और आप सभी लोग उसी से पानी भरना चाहते हैं। अगर हम चाहें थोड़ा समझदारी से काम लें तो दूसरी ओर से पानी भरा जा सकता है, लेकिन पानी को सीधे रस्सी के सहारे ऊपर खींचना होगा और ऐसा करना आप में से किसी की आदत में नहीं है। ऐसा करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम करेंगे ना साईं, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ साईं, हम सब मिलकर मदद करेंगे। तो ठीक है, एक रस्सी ले आओ। साई पहले मुझे, साई पहले मुझे, साई पानी, साई पानी, रुको। देखिए, आप सबको पानी की जरूरत है और सबको जल्दी है, ऐसे में अफरा तफरी मच जाएगी, इसलिए आप बारी बारी पानी भरिएगा। आपको अपना क्रम तो याद है ना? ठीक है, तो आप अपने क्रम अनुसार
एक कतार में लग जाइए। उस रेनुका ने तेरा सारा बना बनाया खाना गुड़ गोबर कर दिया और तुझे पता भी नहीं चला। और जब पता चला तो तूने शोर भी नहीं मचाया। शोर मचाती ना तो वो भी सबको बता देती कि मैं बाजार से उधार सामान खरीद के लाई थी। अरे मामी हो गई गलती, मिट्टी डालो उस पे। लेकिन मामी ये तो तय है कि मैं ही इस प्रतियोगिता को जीतूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं ही बेहतर बहू। ज्यादा शेकी मत बगार, उस रेनुका को कम आंकने की भूल करेगी तो कई काम से तू। वो चालाक भी है और चतुर भी। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर तू। मामी खुल के बताइए ना कि मैं क्या करूं। अच्छा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। इस परिवार में सिर्फ साई की चलती है, ये बात शिरडी में सब जानते हैं। साई सबकी मदद करते हैं। मैंने तुझे बताया था ना कैसे साई ने एक निर्धन को धनवान बनाया। अरे कर्जा चुकाने से लेकर व्यापार में मुनाफा करने तक सब कुछ साई देते हैं। मेरी बात मान, साई से कनिष्ठता बढ़ा, उन्हें प्रसन्न कर, क्योंकि अंत में फैसला तो साई करेंगे। तापी, खाना बना रही हो ना? कि आज भी पानी खत्म हो गया खाना बनाने के लिए? नहीं नहीं बन रहे ना आत्या, और मैं तो अपना काम पूरा मन लगा के कर रही हूँ। लेकिन उसका क्या जो काम से जी चुरा रहा है? रेनुका कहाँ है? और अभी तक तो देवर जी भी बाजार से नहीं लौटे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मियां बीबी फिर से घूमने चले गए? वैसे शिरडी घूमने के लिए है बहुत अच्छी जगह। साईं, आप आराम कीजिए, बाकी लोगों को मैं पानी भर के देता हूं। तापी तो लगी हुई अपने काम में, लेकिन रेनुका का क्या? उस पे नजर रखना बहुत मुश्किल है। अब देखना कब से गए हुए पानी लेने, एक मटका पानी नहीं लाए अभी तक। ठीक कह रही हैं आप। जैसे रेनुका आएगी मैं बात करूंगी उससे। उद्धव, आ
आज कौन कौन आया था पाठशाला में? कोई नहीं, तुम क्यों नहीं आई? कैसे आती, आई सुबह से घर पे थी नहीं। सुबह पानी भरने गई तो अभी थोड़ी देर पहले लौटी, घर में एक बूंद पानी नहीं था। बिना नहाए कैसे निकलती मैं घर से बाहर? बाबा तो काम पर भूखे गए और तुम जानते हो आज आई का आधा दिन तो सिर्फ पानी भरने में ही गया। हाँ, आज मेरी आई को भी बहुत देर हुई, बहुत भीड़ लगी थी। और तुम जानती हो किसके कारण सबको देर हुई? अंताजी पंताजी के कारण, किसी को पानी भरने ही नहीं दे रहे थे वो दोनों। बहुत बुरे हैं ना वो दोनों, क्यों करते उन लोगों के साथ ऐसा? बाबा बता रहे थे कि उन दोनों को कुलकर्णी सरकार ने छूट दे रखी है, वो तो वही करते हैं जो कुलकर्णी सरकार उनसे कहते हैं। अगर इस गांव में कोई बुरा है तो वो कुलकर्णी सरकार है। जानती हो ना मेरे बाबा और मामा जी को कैसे परेशान किया था उन्होंने। हाँ तो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, सरकार तो गोविंदा के मामा है, तो क्या गोविंदा भी बड़ा होकर अपने मामा जैसा बनेगा? बनना क्या, वो तो वैसा ही है। याद है ना वो पहले हम सबके साथ कैसे लड़ाई करता था, हमारे साथ खेलता नहीं था, हमें गंदा कहता था। मामा ने मुझे गंदे लोगों के साथ खेलने के लिए मना किया है, और देखो तो तुम सब कितने गंदे हो। हाँ, लेकिन केशव दादा तो अच्छे हैं ना? वो तो साई के कारण, लेकिन वो भी तो अपनी पढ़ाई के लिए परदेश जाएंगे। तुम्हें याद है ना उन्हें भी तो गंदी आदतें थी, और केशव दादा कुछ भी हो लेकिन उनमें हिम्मत नहीं कि अपने पिताजी से कहे कि वो हम गांव वालों को ना सताए। हाँ ये तो है, मतलब गोविंदा बड़ा होगा और हमें खुद से छोटा समझेगा। फिर इससे तो अच्छा है कि हम उसे अभी से दोस्ती ना रखें, हम उससे बात करना बंद कर देते। किससे बात करना बंद कर दोगे? क्या हुआ? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? परी उठो, तुम दोनों मुझसे गुस्सा हो क्या? हम तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहते। लेकिन क्यों, मैंने क्या किया? क्योंकि तुम कुलकर्णी सरकार के भांजे हो। तो वो बहुत परेशान करते हैं सबको, तुम्हें याद है ना रामभाव काका को कैसे परेशान किया था, और फिर मेरे बाबा और मामा जी को भी। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया ना, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम दोनों मुझसे क्यों दोस्ती तोड़ रहे हो? क्योंकि तुम बड़े होकर उन्हीं की तरह बनोगे, इसलिए हमें तुमसे दोस्ती नहीं रखनी। चलो दो। साईं, आपका शुक्रिया, आज आपकी वजह से हम सबको पानी मिला है, वरना पता नहीं क्या होता। और आपने ये जो नई राह दिखाई है उससे रोज रोज की झंझट से भी हमें छुटकारा मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस गांव में मेहमान बनकर आई, लेकिन आपने हम सबकी इतनी मदद की। आप चाहती तो अपने हिस्से का पानी लेकर जा सकती थी, लेकिन आप अपना काम छोड़कर इस कोशिश में लगी रही कि हम सबको पानी मिल जाए। धन्यवाद। सच कहा, आप लोगों ने गांव वालों की बहुत मदद की है। चलती हूँ। राम जी भला करे। चलते हैं साईं। लगा तीर निशाने पे, अब तो इनाम मेरा ही है। काश साई मुझे हीरो का एक हार देते। रुको ना। धन्यवाद।
धन्यवाद। साई, द्वारका माई के लिए एक मटकी पानी कम नहीं पड़ेगा, वहां तो बहुत भीड़ रहती है। आत्या कह रही थी रोज लोग द्वारका माई में कभी भी किसी वक्त आ जाते हैं। आपको ज्यादा पानी लगेगा ना, इसलिए हम आपके साथ चल रहे हैं। इन बर्तनों में जो पानी भरा है वो हम वहां रख देंगे और लौटते वक्त अपने लिए पानी ले आएंगे। सुबह साफ सफाई करती हूँ, फिर भी हवा के कारण सूखे पत्ते द्वारका माई में आ जाते हैं। कोई बात नहीं, वापस साफ सफाई कर देती। चल जिपरी, लग जा सफाई अभियान में। अरे जिपरी, हम तीनों मिलके साफ करेंगे ना। साईं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं ये काम किसी को करने नहीं देती, लेकिन आप मेहमान हैं इसलिए करने दे रही हूँ। ले लीजिए। मेहनत कर रही हूँ, अगर इसके बाद भी साई ने हमें इनाम नहीं दिया, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। साई, और कुछ काम? मेरे ख्याल से अब आप लोगों को घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर बायजा माँ को ये पता चला कि आप लोग यहाँ थे तो मेरी खैर नहीं है। उनके गुस्से का अंदाजा नहीं है आपको। ठीक है साई, चलते। राम जी भला करें। साईं, अब हम भी चलते हैं। आज घर में फिर से सब लोग गुस्सा करेंगे। मेरे हिसाब से हमने द्वारका माई जाकर गलती की। साईं तो तभी खुश हो गए थे जब हमने कुएं पर लोगों की मदद की। दोबारा मक्खन नहीं लगाना चाहिए था। वाकई में आज हमें बहुत देर हो गई। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। बेकार में? लगता है तुम भूल गई पिछली बार तापी वहीनी ने कितनी हायतोबा मचा रखी थी घर में। लेकिन इस बार हम साई के साथ थे, उनकी मदद कर रहे थे, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। रुको, घर में आने की फुर्सत मिल गई? जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। सुबह से पानी भरने गए थे और अब आ रहे हो? अरे इतनी देर में तो मैं पूरे घर का पानी भर के ले आऊं। आत्या, हम वो क्या हुआ? चुप क्यों हो गए तुम? और कहां रह गए थे तुम दोनों इतनी देर तक? हमें माफ कर दीजिए। माफी? माफी मांगने से बर्तनों में पानी भर जाएगा? तापी को देखो, कितनी मेहनत कर रही है वो, और एक तुम लोग हो कि आई आई आप इन दोनों को क्यों डांट रही हैं? पता है आपको,
आज इन दोनों ने गांव वालों की बहुत मदद की है, खुद भीवा ने मुझे बताया। उसके बाद ये दोनों द्वारका माई भी गए थे, रेणुका ने साफ सफाई में झिपरी की मदद की और दत्ता ने धुनी की लकड़ियां काटकर साई की मदद की। मैंने खुद देखा। इनके निकलने के कुछ देर बाद ही मैं निकला, पर मुझे रास्ते में भीवा मिल गया। मैंने बेवजह ही इन्हें बहुत कुछ सुना दिया। गलती हो गई, माफ कर देना। हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपका तो हक बनता है डांटने का, और वैसे भी आपको थोड़ी ना पता था। आते ही क्यों नहीं बताया कि कैसे तुम लोगों की मदद कर रहे थे, खासकर साईं की? बोलना था ना। अगर बताते तो इतना असर थोड़ी ना पड़ता जितना दूसरों के बताने से पड़ा। खैर, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। तुम दोनों थक गए होंगे ना, पहले जल्दी से खाना खा लो, पानी तो बाद में भी आ जाएगा। तापी, हाँ, इन दोनों के लिए खाना लगा दो। जी वही नहीं। ये तो मुझसे भी दो कदम आगे की सोचती है। मामी की बात वैसे सही हुई, अब तो मुझे भी साईं की नजरों में अच्छा बनने के लिए कोई ना कोई तिक्रम तो भिड़ाना ही होगा। क्या बात है गोविंदा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या करूं साई, मेरे दोस्तों ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है, कट्टी कर लिया सबने, अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुलकर्णी सरकार का भांजा है साई। और आप तो जानते हैं कि कुलकर्णी सरकार कितने बुरे हैं। ये भी बड़ा होकर हम गांव वालों को परेशान करेगा। गलती कर रहे हो तुम लोग। कैसी गलती साई? जैसा कि मैंने कहा, किसी भी इंसान की परख उसका आकलन उसके परिवार के सदस्यों के स्वभाव से, उनके आचार व्यवहार से, उनके कर्मों से नहीं करना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही जैसे हों। अच्छा तुम लोग बताओ, क्या तुम बिल्कुल अपने माता पिता की तरह हो? नहीं साई, मैं अपनी आई की तरह नहीं हूँ, मेरी आई तो बहुत गुस्से वाली है। मैं भी अपने बाबा जैसा नहीं हूँ, पढ़ाना तो दूर, मुझे तो अपनी पढ़ाई ही मुसीबत लगती है। तो फिर ये बात तुम पूरे भरोसे से कैसे कह सकते हो कि गोविंदा बड़ा होकर अपने मामा जी की ही तरह बनेगा? भगवान कृष्ण के मामा का नाम कंस था, दुराचारी था वो, लेकिन कंस के क्रूर स्वभाव का प्रभाव क्या कृष्ण के ऊपर पड़ा? क्या कृष्ण ने
कंस की तरह ही अपनी प्रजा पर जुल्म किए? जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अलग अलग होती हैं, वैसे ही हर इंसान भी अलग अलग होता है। और जहां तक मैं गोविंदा को जानता हूं, गोविंदा बहुत दयालु है, बहुत संवेदनशील है, दूसरों की चिंता रहती है, फिक्र रहती है उसे। मुझे माफ कर दो गोविंदा। मुझे भी। कोई बात नहीं। मैं तो बस खुश हूँ कि हम दोबारा दोस्त बन गए। यहाँ आओ तुम लोग। गोविंदा, मैं जानता हूं कि तुम्हें इन लोगों की बात से दुख पहुंचा है, लेकिन गलती इनकी नहीं है, गलती है उस समाज की, इस माहौल की जिसमें हम रह रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम भले हो, लेकिन हर इंसान को यह साबित करना पड़ता है कि असल जिंदगी में वो क्या है, तभी उसकी पहचान बनती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक दयालु इंसान के रूप में, सबकी फिक्र करने वाले इंसान के रूप में याद रखें, तो तुम्हें भी खुद को साबित करने की जरूरत है। वो कैसे साई? आएगा। वो समय भी आएगा तुम्हारे जीवन में, और मुझे यकीन है कि उस समय तुम ये साबित करने में सफल भी हो जाओगे कि तुम्हें सच मायने में, सही मायने में गांव वालों की चिंता है, उनकी फिक्र है तुम्हें। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ से कोई ऐसा काम हो ताकि उसके बाद कोई भी तुम पर उंगली ना उठा सके, तुम पर संदेह ना करे। उठ गई आप? मैं तो उठ गई, लेकिन सबसे पहले इन दोनों महारानियों को तो जगाए। देखा, कल मैंने कितना सुनाया पर इनके दिमाग में एक बात भी नहीं घुसी। तू एक काम कर, तू रेणुका को जगा, मैं तापी को जगाती हूँ। ठीक है आई। तापी और विनायक सुबह सुबह कहाँ चले गए? आओ, यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते ना मुझे एहसास हो गया क्या वाकई में समय आ गया है अपनी जिम्मेदारियों को उठाने का। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है हमको ये सब नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी ये घर परिवार तो अपना ही है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते रहना चाहिए। बस
आज मैं बहुत खुश हूँ भाईसा। कम से कम सुधामा की एक चिंता तो दूर हुई इनके सुधरने से। रेनुका को जगाया? गई तो थी मैं आई, लेकिन वो दोनों तो वहां थे ही नहीं। लगता जरूर कहीं घूमने गए होंगे। वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ पानी भर के गए हैं दोनों। अभी तो सुबह सुबह हाथ बाजार भी नहीं खुला होगा, कहाँ चले गए ये लोग? रुक, मैं सुदामा से पूछती हूँ। रेणुका कौन सा नया नाटक खेल रही है? पायसा, दादा भी कमरे में नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों कहीं चले गए? देर हो गई पैदल चलते चलते, पता नहीं ये साई भी नहीं दिख रहे। अगर जल्दी ही साई नहीं मिले तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। चल रेणुका, लग जा काम पर। बाबा, जब से आप पर हमला हुआ है आपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। घर पर बैठे रहेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। घूमने फिरने से ताकत मिलती है, रक्त का संचार जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। अब चलिए, खुद कोशिश करिए चलने की। चलिए चलिए बाबा। अरे बाबा, नहीं होता मुझसे। बाबा कोशिश तो कीजिए। कैसे हैं सुधामा जी? अरे साई, आप? प्रणाम। राम जी भला करें। अच्छा हो आप आ गए। अब आप ही समझाइए ना बाबा को, हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते थे, जहाँ जाते थे चल के जाते थे। अब देखिए ना, जब से बाघ ने हमला किया है घर के आंगन के बाहर कदम नहीं रखा है। इन्हें तंदुरुस्त नहीं देखकर बहुत तकलीफ होती है। ऐसे हार मानकर घर पे बैठना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुदामा जी, आपका बेटा और बहू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुदामा जी, थोड़ा चला फिरा करिए, इससे आपकी मांसपेशियों का व्यायाम होगा, नसों में भी रक्त संचार ठीक होगा, तो चोट ठीक होने में मदद मिलेगी। एक बात और साईं, बाबा हम लोगों को अपना दुख दर्द नहीं बताते, छुपाते हैं। कल अपने घुटने पकड़ कर बैठे थे। मुझे तो लगता है उम्र बढ़ने के कारण बाबा के जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, लेकिन बाबा हैं स्वीकार ही नहीं करना चाहते, इसी वजह से दिन प्रतिदिन इनका स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बच्चे आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये तो हमारा फर्ज है साईं, लेकिन बाबा अपने दुख दर्द के बारे में नहीं बताएंगे तो हम उनका इलाज कैसे करेंगे? सुदामा जी, क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ साईं, कुछ दिनों से मेरे जोड़ों में दर्द है। पहले तो मैं कसरत करके खुद को चुस्त रखता था, हमले के बाद चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया, उससे मेरे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया। शायद मेरी बढ़ती उम्र के कारण हो सकता है। जोड़ों में दर्द? बाबा को मुंह चाहिए क्या?
अरे वहाँ घर पे सब कितने परेशान हैं कि बाबा कहाँ हैं कहाँ हैं, और तुम बिना किसी को बताए बाबा को यहाँ ले आए। रेणुका और दत्तात्रेय अपने पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत फिक्र है इन्हें, इसीलिए इतनी सुबह इन्हें यहाँ लेकर चले आए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें भी अपने पिताजी के स्वास्थ्य की इतनी ही चिंता होगी। जी साईं। दत्ता, अगर हमें बता के आते तो घर पे कोई परेशान तो नहीं होता ना? दादा, वो आप लोग सोए हुए थे तो सोचा आप लोगों को क्यों परेशान किया जाए। लो, इसमें परेशान करने की क्या बात है? मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, इसलिए घर की पहली जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मेरी ही है। हाँ दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, घर के कामों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वैसे घर में बहुत काम होगा, आप जाकर काम देखिए। हम बाबा को द्वारका माई ले जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ताकि तुम साईं के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करके साईं को अपने पक्ष में कर लो। कभी नहीं। बाबा को मैं लेके जाऊंगा, और बाबा की देखभाल कैसे करनी है ये मैं साईं से जान लूंगा। वैसे भी तुम दोनों दिन भर बस बाहर ही घूमते रहते हो, घर का सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है, इसलिए बाबा की सेवा भी तापी और मुझे ही करनी होगी। तुम दोनों एक काम करो, घर पे जाके सबको सूचित कर दो कि बाबा मेरे साथ द्वारका माई में है। इन्हें द्वारका माई ले जाना तो जरूरी ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों में से जाकर कोई जना घर से वो तेल ले आए जो आज जी को मैंने जोड़ों के दर्द के लिए दिया था। मैं जाता हूं ना साई, मैं लेके आता हूं वो तेल। अगर मुझे पहले पता होता कि वो तेल घर पे ही है तो बाबा की तकलीफ दूर करने के लिए मैं रोज उनके घुटनों में मालिश करता, शायद अब तक उनका दर्द चला भी जाता। विनायक, तुम सच में एक आदर्श पुत्र हो। बहुत अच्छा। जी साईं। यार कौए, वो अंग्रेज सरकार की तरफ से कुछ जवाब आया क्या? अरे पहले खा तो ले। बंदर का बंदर रहेगा तो है? अरे यार तुम्हें तो पता है वहां से आने में देरी लगती है, समय लगता है कि नहीं? कोई समस्या है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, समस्या क्या होगी? बस अगर जवाब आ जाता तो अच्छा था, उससे हमें ये पता लग जाता कि अंग्रेज सरकार की हमारी परियोजना में स्वीकृति कितनी है, मतलब वो हमें कितना धन देने वाले हैं, उससे हम अपने निर्माण कार्य की राशि को घटा या जोड़ सकते थे। हाँ। उछलना नहीं छोड़ेगा तू बंदर। अरे धैर्य रख, सब्र का फल मीठा होता है ना। प्रणाम। मैं अभी आया। बोलो। कुलकर्णी सरकार का निर्माण प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को मिल चुका है, और खबर यह भी है कि सरकारी अधिकारी पहले निर्माण कार्य से जुड़े हर पहलुओं पर जांच पड़ताल करेगी, इसलिए प्रस्ताव को स्वीकार करने में समय लगेगा। ठीक है, लेकिन याद रहे किसी को ये बात पता ना चले कि इस बारे में मालूम करने के लिए मैंने तुमसे कहा था। Ha 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 ha.
क्या हुआ, कोई समस्या? अरे नहीं नहीं, वो औरंगाबाद में हमारा काम चल रहा है ना, तो उस बारे में बताने आया था। अच्छा, खत्म कर लो जल्दी से, एक बार दीवार के कार्य पर नजर डाल के आते हैं। हाँ हाँ हाँ, कुलकर्णी के अड़ियल स्वभाव को देखते हुए मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम दीवार निर्माण में लगा लागत मूल्य को मैं उससे जल्द से जल्द वसूल कर लूं। ये लीजिए साईं तेल। आपके घुटनों में सूजन है पर ठीक हो जाएगा दर्द। खाली खड़े रहने से तो अच्छा है मैं यहाँ की सफाई कर लूं। आहो, आप खड़े क्यों हैं? आप भी कुछ काम कीजिए। अरे इसमें तो पानी नहीं है साईं, मैं भर लाता हूं। तापी सही थी, साईं को प्रभावित करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए ये दोनों एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी कुछ ना कुछ करना होगा ताकि साईं मुझसे भी खुश हो। पर मैं करूं क्या?
अरे वाह तापी, तुम्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये रसोई तुम्हारी है। इतनी साफ सफाई, आते आपको अच्छा लगा? मैं कोशिश कर रही हूँ सब कुछ साफ सुथरा रखने की। पर तुम ये पोहे बांध किसके लिए रही हो? वहनी, शिरडी आई हूँ। अगर साईं को कुछ खिलाने का सौभाग्य ना मिले तो क्या फायदा शिरडी आने का? मैं उनके लिए नाश्ता लगा रही हूँ। और वैसे भी बाबा, रेणुका और देवा जी सब लोग वहीं तो हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन लोगों का तो दिल जीत लिया मैंने, और ये सब काम करने के बाद साईं से तोहफा मुझे ही मिलना है। मैनी, मैंने सबका नाश्ता रख दिया है, क्या आप इसे द्वारका में लेके जाएंगी? पर तुम खुद ही चलो ना हमारे साथ, अपने हाथों से बनाए पोहे तुम्हें दे देना साई को। ठीक है। अब कैसा लग रहा है आपको? पहले से बहुत बेहतर है। एक बार खड़े होकर देखिए। हाँ हाँ, हो जाइए खड़े। कैसा लग रहा है आपको? साई, मेरा दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल पहले जैसा महसूस कर रहा हूं। अब आप ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं आप। लेकिन अगले कुछ दिनों तक अपना ख्याल स्वयं रखिए। अपने परिवार से अपनी देखभाल की, अपनी सेवा की उम्मीद ना रखें। हाँ, ये तो दिखता है कि आपके परिवार को, आपकी बहू, आपके बेटों को आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। लेकिन अगर किसी को सबसे पहले इसकी चिंता होनी चाहिए तो वो है आप, क्योंकि अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदारी हर इंसान का कर्तव्य है। साईं, आपकी बात को अनसुनी करके मैंने खुद अपनी ये दुर्गति कराई है, लेकिन इस बार मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा। फिर तो आपको मेरी बात भी सुननी होगी मामा जी। आज हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे, वैसे भी सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है। तापी ने सुबह जल्दी उठकर बड़ी मेहनत से सबके लिए पोहे बनाए हैं। जानते हो साईं, आज इसकी रसोई में जरा भी कचरा नहीं था। जानकर अच्छा लगा कि आप मेहनत करके अच्छा काम करना सीख रही हैं। स्त्री तो अन्नपूर्णा का रूप होती है। जिस किसी के पास दूसरे का पेट भरने का, भूखे को तृप्त करने का सौभाग्य हो, उसे खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। आप सब लोग बैठिए ना, मैं सबको नाश्ता देती हूँ। शुक्रिया।
शुरू कीजिए। तापी, आज पोहा तुमने वाकई कमाल का बनाया है। मैंने हमेशा से ऐसे ही हंसते खेलते परिवार की कल्पना की थी। मेरे बहू बेटे ऐसे ही मिलजुल कर रहे, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इसकी कल्पना की थी। आज मेरा सपना सच हुआ। सुदामा जी, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ, आपके बच्चों ने अपना सबक सीख लिया है। लेकिन सबूरी, थोड़ा सब्र करिए, धैर्य रखिए थोड़ा, क्योंकि असलियत सामने आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। और असलियत तभी सामने आएगी जब ये अपने अपने पुरस्कार का चुनाव करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। सबूरी, अच्छा साईं, अब हम चलते हैं। रुको, मुझे लगता है विनायक और तापी के साथ रेणुका और दत्तात्रेय ने भी अपने कामों में सफलता हासिल की है। तो पुरस्कार देने का वक्त आ गया है। हम सबको मिलेगा पुरस्कार। बिल्कुल, आपके प्रयासों के अनुसार आपको पुरस्कार जरूर मिलेगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतनी मेहनत हम इस पत्थर के लिए कर रहे थे। पत्थर? साई कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? जो माल उठा लिया है उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो पैसे मांग रहे हैं भाई। ऐसे मांग रहे? अब तक तो कभी नहीं मांगे और अचानक मांग रहे मतलब? अरे यार, अपनी जेब से पैसे दिए मैंने उन्हें। पर मेरी भी मजबूरी है भाई, मुझे मजदूरों का पारिश्रमिक देना होता है, माल की उठवाई देनी होती है, सब खर्चा करना होता है मुझे। इसीलिए तो तुझसे सिर्फ 3,000 रुपए अग्रिम राशि मांग रहा हूं। और क्या फर्क पड़ता है, कल भी देने ही है और आज भी देने ही है। तेरे को तो देना ही है। घाट घाट का पानी पिया हूं मैं, और मुझे मूर्ख बनाने चला है तू बंदर। मुझे पता है कि तू क्या सोच के ये कह रहा है। डर गया है ना कि कहीं मुझे अनुमति नहीं मिली तो तेरे पैसे डूब जाएंगे। केवल लाभ चाहता है तू, नौटंकी करता है मेरे सामने मित्रता की। हरिओम।
ठीक है, दिए मैंने तुझे 3,000 रुपए, लेकिन उसमें से मैं अपना हिस्सा काट के तुम्हें 3,000 रुपए दूंगा। हिस्सा? कैसा हिस्सा? बंदर बैठ बैठ बैठ। अरे भाई, सालों पुरानी मित्रता है हमारी, आंखें बंद करके तुम पर विश्वास कर रहा हूं मैं। पहला चरण पूरा नहीं हुआ है लेकिन मैं तुम्हें पैसे अग्रिम दे रहा हूं। भाई मुझे भी तो कुछ लाभ होना चाहिए। हरिओम, समझ रहे हो कुछ? ठीक है ठीक है, तुम 5% काट लेना। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। साईं, आपने तो कहा था आप पुरस्कार देंगे। ये तो पत्थर है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इनकी अपनी खासियत है। ये पहला पत्थर, ये धन का पत्थर है। ये पत्थर जिस किसी के पास भी होता है उसके पास धन का अंबार लग जाता है। कभी धन की कमी नहीं होती। ये दूसरा पत्थर, ये प्रसिद्धि का पत्थर है। ये जिस किसी के पास भी होता है उसकी प्रसिद्धि पूरे संसार में फैल जाती है। लोग उसे पहचानने लगते हैं, उसका स्वागत सत्कार करते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं। रेणुका जी, दत्तात्रेय जी, आपसे मिलकर मैं बहुत धन्य हो गया। अगर आपके पास समय है तो आज रात्रि कृपया करके हमारे घर भोजन करने के लिए आ जाइए। अगर आप आते हैं तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और ये तीसरा पत्थर? ये प्रेम का पत्थर है। जिस किसी के पास भी होता है लोग उससे प्रेम करते हैं। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, संसार, हर जगह उसे प्रेम प्राप्त होता है। अब यह निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप अपने लिए किस पत्थर का चुनाव करते हैं। आओ, हमें धन देने वाला पत्थर चुनना चाहिए। सब धन की माया है, बाकी दोनों बेकार है। धन है तो नाम, पैसा, शौहरत सब। जिसके पास धन होता है उसे सब प्यार करते हैं। सुनती हो, कहीं ऐसा ना हो तापी वाहिनी हमसे पहले धन वाला पत्थर मांग ले। ले लेने दीजिए उन्हें। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, क्या बोल रही हो? धन वाला पत्थर है वो। सुना नहीं साईं ने क्या कहा? जिसके पास धन का पत्थर उसके पास धन का अंबार। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर हम प्रसिद्ध हो गए तो हम अपने तरीके से चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तब हमें धन भी मिलेगा और अपने प्रशंसकों का प्यार भी मिलेगा। ले लेने दीजिए उन्हें धन वाला पत्थर, हम प्रसिद्धि वाला पत्थर लेंगे।
तीनों पत्थरों का काम एक पत्थर करेगा। तो क्या सोचा आप लोगों ने? साईं, हमें धन देने वाला पत्थर चाहिए। हमें प्रसिद्धि देने वाला पत्थर चाहिए। ले लीजिए। कोई चमत्कार होगा क्या? शायद धन वर्षा होगी या कोई खजाने का पता चलेगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हमें इससे धन मांगना होगा, जैसे अलादीन के चिराग से मांगते हैं। हमें ढूंढ तो ये लोग यहाँ आते ही होंगे ना, ऐसा ही कुछ होगा। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? तो आप लोग अपने अपने पत्थर चुन चुके हैं और इन खास पत्थरों के मालिक बन गए हैं। पर याद रहे, अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो आप लोग अपने इन पत्थरों का उपयोग बहुत बुद्धिमानी और बहुत जिम्मेदारी से कीजिएगा। हाँ हाँ सही, हम याद रखेंगे आपकी बात। अब आप जा सकते हैं। कौन जान पाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। आओ ध्यान से देखिए, इधर ही कहीं होगा। मिल गया खजाना। जल्दी कीजिए, तापी ताई के आने से पहले हमें ये खजाना लेके जाना है। रुक जाओ रेणुका, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। चलो रेणुका, रेणुका रुको, रेणुका रुको, रुको रेणुका, रुको 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 रुको। तापी, तापी क्या हुआ? तापी तापी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? चीखे क्यों तुम? हाँ, वो जंगल में खजाना था। बस शाम, बस धन के बारे में सोचोगे तो ऐसे सपने आएंगे ना तापी। आओ, मुझे अभी इसी वक्त जंगल जाना है। इस वक्त? हाँ। जंगल? हाँ। मती मारी गई है क्या तुम्हारी तापी? जानती हो ना कि बाबा के साथ जंगल में क्या हुआ था, उसके बावजूद तुम्हें जंगल जाना है, वो भी रात के इस वक्त। हाँ तापी, इस समय जंगल। आप ही कहती है ना कि साईं के होते हुए कुछ बुरा नहीं हो सकता। और देखिए, उन्होंने ही तो ये पत्थर दिया था, कहा था ये धन देने वाला पत्थर है, और इसे लाने के बाद ही मुझे खजाने का सपना आया।
ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हम कल सुबह जंगल जाएंगे। आपको सुबह तक इंतजार करना है ना तो कीजिए, मैं अभी जा रही हूँ जंगल। तापी? मैं जाता हूँ उसके साथ। तापी, तापी एक बार फिर सोच लो ना, हम सुबह होने पर भी तो आ सकते हैं ना। मुझे नहीं पता था कि आप इतने डरपोक हैं। कहीं कोई जंगली जानवर हमला तो नहीं कर देंगे? अरे इसलिए तो कह रहा था कि सुबह होने पर आते हैं, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? देखो कुछ भी नहीं है यार। अरे सपना सपना होता है। एक दिन सपने में मैंने भी देखा था कि मैं राजा बन गया हूँ। बना क्या, नींद और खराब कर दी। अब चलो यहाँ से, आ जाओ। साई के क्या है कौन जान पाए। देखो कुछ भी नहीं है यार। अरे सपना सपना होता है। एक दिन सपने में मैंने भी देखा था कि मैं राजा बन गया हूं। बना क्या, अब चलो यहां से। जल्दी आइए। क्या हुआ? आपका राजा बनने का सपना सच होने वाला है। उधर देखिए, बिल्कुल वैसी ही रोशनी, वही जगह जो मैंने सपने में देखी थी। से कहा था ना कि साई किसी को भी धनवार कर सकते हैं। वाह तापी, तेरा सपना तो सच में सच हो गया। सही कह रही थी तुम, जब पूरी शिरडी पर साई का हाथ हो, उसके भक्तों पर उसका हाथ हो, तो लोगों को डरने की क्या जरूरत है। साई के आशीर्वाद से अब हम भी अमीर हो गए। अमीर नहीं, बहुत अमीर। बहुत अमीर? अकल तो रत्ती भर की नहीं है। साल भर में फिजूल खर्चे करके दोनों सड़क पे नहीं आए ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। साई, मैंने आपके बारे में सुना था कि जो जिस लायक होता है आप उसे वही देते हैं।
वैसे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन आपके पुरस्कार ने उन सबका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। सच में साईं, आपने मुझे इस काबिल समझा, हमें अच्छा समझा, हमें पसंद किया, तभी तो आपने इतना कुछ दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साईं। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है ताबी, हर इंसान को उसकी योग्यता के अनुसार ही मिलता है। हाँ, एक सलाह जरूर है, इस धन का कुछ हिस्सा लोगों की सेवा करने में, लोगों की जरूरतों को पूरा करने में, उनकी मदद करने में, दान करने में जरूर लगाना। जरूरतमंद की मदद करना, धन का सदुपयोग करना तुम लोग, ऐसा करके हम उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। अरे वाह, ऐसे कैसे दे दूं किसी को? ये हमारी दौलत है, इसका मैं एक ढेला भी नहीं दूंगी किसी को। तापी, तुम साईं की बात कैसे नहीं मानोगी? ये मत भूलो कि ये धन उन्हीं की कृपा से मिला है तुम्हें। बाबा, साईं ने हमें पत्थर दिया था, ये जो कुछ भी मिला है ना, वो हमारी योग्यता है, हमारी किस्मत है। अगर साईं के पास देने के लिए खजाना होता ना, तो क्या वो खुद भीख का कटोरा लेके घर घर जाते? तापी, जानती भी हो क्या कह रही हो और किसके बारे में कह रही हो? तापी, थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखो। जाओ साईं से माफी मांगो, वरना सबको बुरा लगेगा। जाओ। माफी चाहती हूँ साईं, लेकिन छोटों की हर बात पे बड़ों को रोक टोक करने की आदत होती है। इसमें इनका नहीं, इनकी उम्र का कसूर है। उम्र में छोटे होने का ये मतलब तो नहीं कि हम छोटों को दुनियादारी के बारे में कोई समझ ना हो। अरे हम भी बड़े हैं, अपने सही गलत को पहचानते हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने ये धन पाया है, इसीलिए इसमें केवल हमारा अधिकार है। और अगर हम आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं या उन चीजों का आनंद उठाना चाहते हैं जिनके हमने सिर्फ सपने देखे थे और अब उन्हें हम हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? साईं, आप ही बताइए, हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं गया था तब से ससुराल में कोलों की बेल की तरह काम कर रही हूं मैं। पहले इसलिए क्योंकि ससुराल में अकेली औरत थी, और बाद में खुद को साबित करने के लिए कि मैं सबसे अच्छी बहू हूं, और यहां भी आके काम किया, और अब जाके मुझे अपने मेहनत का फल मिला है, तो क्या मैं अपने सपनों को पूरा ना करूं? आप बताइए, गलत कह रही हूं? गलत तो नहीं? नहीं नहीं, कह दीजिए गलत कह रही हूँ तो वापस कर देती हूँ सारा धन। अरे नहीं नहीं, गलत नहीं कह रही हो, तुम सही कह रही हो। ऐसे भी अपने सपनों को सच करना गलत थोड़ी है, सही है एकदम। अब बहुत कर लिया काम, अब मैं एक इशारा करूंगी और नौकर चाकर घर का सारा काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब तुम जैसा कह रही हो वैसे ही होगा। अब हमें जिसने भी ज्ञान देने की कोशिश की तो हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, ठीक है? लगता है हमारी खुशी किसी से देखी नहीं जा रही, हमारे अपने ही हमसे जलने लगे हैं। चलिए यहां से। बड़ा लूट के भाग रही थी सपने में, अब जलती रहे। चलिए। साईं, तापी ताई को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, जबकि हमें अभी तक नहीं मिला। क्यों?
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। साई के कहने का मतलब है कि धैर्य से काम लो, तुम्हारा समय भी आएगा। धैर्य पैरे मैं नहीं जानती, मुझे यहां से बाहर ले चलो। मुझे इस नौटंकी से अपना ध्यान हटाने की बहुत जरूरत है। अच्छा चलते ना, बाहर चल के कुछ खाते पीते। साईं, अब मुझे समझ में आया क्यों आपने कहा था जो मैं सोच रहा था वो मेरा भ्रम था। सच में मेरे बहू और बेटों में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आया, वो अब भी पहले की ही तरह स्वार्थी हैं और मतलबी हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतुआए फल होए। सुबह नाश्ते से लेकर रात का खाना सब बनाना पड़ेगा। साफ सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब करना होगा। रसोई एकदम चकाचक रखनी होगी तुम्हें। और हाँ, सिर्फ हमारे और घर के बड़े बुजुर्ग उनके ही कपड़े बर्तन धोने, बाकी हमारे देवर देवरानी के नहीं, समझी? लेकिन क्यों, आप चिंता मत कीजिए, मैं इतने ही पैसे में सब काम कर दूंगी। बहुत चप्पड़ चप्पड़ करती है, चल निकल यहां से, कोई काम नहीं मिलेगा, निकलो। बहुत नाटक शुरू हो गए इसके, पैसा आया नहीं, ये फजूल खर्ची शुरू। नमस्ते वहिनी। नाच नखरे तो देख उसके। ओहो हो, तुम तो रहने दो, तुमको देख के तो ऐसा लगता है कि दिन भर सास श्रृंगार में ही लगी रहती होगी। काम करने की फुर्सत कब मिलेगी तुम्हें, निकलो। चलो आओ। नमस्कार वहिनी। ममता जी उधर देखिए। आओ, देख रहे हैं, खुद ही साफ सफाई में नहीं है, घर को कैसे साफ रखेगी। तुम जाओ। पर क्यों वहिनी? हालत देखिए अपनी, खुद साफ सफाई में नहीं हो, घर को कैसे साफ रखोगी। अंता जी, पाटिल के घर के बाहर इतनी औरतें क्यों जमा है? निकलो। रुक, तू तो कुलकर्णी सरकार के खेतों में काम करती है ना, तो आज क्यों नहीं गई? ऐसे ही छुट्टी करती रहेगी तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी तेरी। ऐसा जुल्म मत कीजिए अंता जी, वो पाटिल जी की यहाँ आई थी कामकाज ढूंढने, उन्हें घर काम करने के लिए नौकरानी चाहिए जो 2400 घंटे उनके यहाँ काम करे। 24 घंटे? हाँ, और वो अच्छे पैसे भी दे रहे हैं। फिर तू क्यों लौट आई वहां से? मेरी बदकिस्मती, मुझे मिलने के लिए बुलाया था, मैंने सोचा इतनी औरतों में मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूंगी, पर मुझे नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? वहां पर रूप रंग नाक नक्श गुण अवगुण साफ सफाई की परख हो रही है, अब आप ही का काम सहारा है मेरा। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। हाँ जाओ। अंता जी चलिए,
सरकार के सामने ये ताजी ताजी खबर परोसी जाए। चलिए चलिए। दिन रात काम करने के लिए अप्पा पाटिल नौकर चाकर रख रहा है। हाँ रख सकता है, पाटिल है, लेकिन इतना तामझाम। सेवक रखने के लिए उसका साक्षात्कार, उनके रंग रूप गुण की जांच, जरूर दाल में कुछ काला है। अंतापंता जाकर देखो अप्पा पाटिल के घर में चल क्या रहा है। जी सरकार। जी सरकार। चल। हरिओम हरिओम। साई देखो तुमसे मिलने कौन आया। प्रणाम साई। मैं शरद, पहचाना मुझे? रोहिणी काकी जब यहां आपके साथ थी तभी आपसे मिला था। हाँ पहचाना। द्वारका माई में आपका स्वागत है। माजी कैसी है? मजे में। काकी ने आपके लिए ये चिट्ठी भेजी। क्या लिखा है इसमें? मैं इसे लाती। जानते हो साई, तुम्हारी राह देखते देखते मैंने ये चिट्ठी 3 बार पढ़ ली। तुम बैठो मैं पढ़ती हूँ। मेरे प्रिय साई, हम सब यहाँ कुशल मंगल से और आपकी कुशलता की ईश्वर से कामना करते हैं। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि मेरे बेटे और बहू अब मेरा अच्छे से देखभाल करते हैं। मेरा समय धार्मिक ग्रंथों के पाठ करते बीत रहा है और बचा हुआ समय पोते पोतियों के साथ। फुर्सत मिलती है तो जरी का काम कर लेती हूँ। आपकी कृपा से अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। बेटों को अर्जित धन का कुछ हिस्सा देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए वो धन उनके बच्चों के लिए जोड़ रही हूँ मैं। राम जी भला करे। देखो तापी, तुम पहले ही सबको मना कर चुकी हो, ये बस आखिरी नौकरानी बची है। अगर इसको भी मना कर दिया तो घर का काम कौन करेगा? हम करेंगे। और तुम जाओ यहाँ से। अब हम आ गए हैं यहाँ का काम करने के लिए, चलो जाओ। तुम दोनों एक साथ क्यों आई हो? हमें एक ही नौकरानी चाहिए, तुम दोनों में से किसी एक को ही काम मिलेगा। वो क्या है ना, हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। आज तक जहाँ भी काम किया है एक साथ किया है और आपके यहाँ भी एक साथ ही काम करेंगे। लेकिन एक काम के लिए मैं 2 लोगों की तनख्वाह क्यों दूँ? पैसे तो मैं एक की ही दूंगी। हम दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से अलग ना रहने के लिए कोई भी कीमत चुका सकती है। हमें मंजूर है। चाहिए तो बोलो चाहिए, नहीं चाहिए तो बोलो जाइए। आओ। क्या बोलते हो, एक ही वेतन में 2-2 नौकरानियां, सौदा बुरा नहीं है। देखा हाँ, इतनी माथा पच्ची करने का लाभ मिला ना हमें। अरे लेकिन ये दोनों काम कर पाएंगी? कर गई तो काम करना है इन्हें, कर लेंगे। और नहीं कर पाए ना तो
मैं करवा लूंगी, मुफ्त में थोड़ी ना रख रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता तो करो कि ये दोनों है कौन, आई कहाँ से। बस बस आप बस करो, तुम दोनों की नौकरी पक्की। वैसे तुम दोनों का नाम क्या है? अनछुई। अनछुई? हाँ, जैसे छुई मुई होता है वैसे ही अनछुई। और तुम्हारा नाम? पन पन पनखुड़ी, पनखुड़ी नाम है मेरा। ये कैसे अजीब नाम है इनके? अजीब नहीं है, पूरे नाम है अनछुई पनखुड़ी। बुला के तो देखिए, अनछुई पनखुड़ी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दोनों कल से काम पे आ जाना। वो तो हम आ जाएंगे, पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। कैसे सवाल? वैसे तो आप लोग अमीर लगते नहीं, लेकिन ऐसे पूछताछ करके काम पे रख रहे हैं जैसे राजा महाराजा के यहाँ होता है। ये तो शंका है कि आप हमें तनख्वाह देंगे ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ क्या मतलब है? अरे इस घर को देखकर हमारी हैसियत का पता लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास और बहुत जल्दी ना महल में रहने वाले हैं। यही जानना चाहती हूँ ना कितना पैसा है। अरे आप चुप रहो। अरे ये दो कौड़ी की नौकरानियाँ मेरी बेइज्जती कर रही है, इन्हें तो इनकी औकात दिखानी पड़ेगी कि इनकी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है। अरे इन्हें क्या पता कि जंगल में हमें गुप्त धन मिला है, अगर हम इन्हें बोल देते इनकी बोलती बंद हो जाएगी। है कि अरे चलो यहां से, पैसे हैं मेरे पास, अभी बताती हूँ। दो टके की नौकरानी, गुप्त धन जंगल से। हाँ आगे बढ़। हाँ सर, शिरडी की आप सबकी बहुत याद आती है, खास करके बाईजा, जिप्री, परी, उद्धव और बाकी बच्चों की। परसों एक चुटकुला सुना मैंने तो परी की याद आ गई, उसे आप ही चुटकुला जरूर सुनाइएगा। जिप्री दीदी सुनाओ ना। हाँ हाँ पढ़ती हूँ। एक बार एक हाथी और चीते के बीच बड़ी बहस हुई। इस बहस का हल निकालने के लिए उन्होंने पंजा लड़ाने का फैसला किया। तय हुआ जो भी जीतेगा उसकी बात सच मानी जाएगी, लेकिन हल निकल नहीं पाया क्योंकि दोनों के पास पंजे नहीं थे। सुना परी? हाँ सही, बहुत अच्छा था। अब मेरे पास एक और चुटकुला हो गया लोगों को सुनाने के लिए। आगे पढ़। हाँ सर, काकी लिखती है, साई भेंट स्वरूप आपको जरी का काम किया हुआ एक झोला भेज रही हूँ, जिसे मैंने ग्राहकों के बचे हुए सामानों से बनाया है, कृपया स्वीकार करें। साई सच में ये तो बहुत सुंदर है। वैसे साई तुम तो इसका इस्तेमाल करोगे नहीं, तो क्या मैं इसे अपने पास रख लूं? नहीं, ये माँ जी ने मेरे लिए भेजा है, तू कैसे ले सकती है? साई ने कभी किसी चीज का मुंह नहीं किया, कभी मना नहीं किया, फिर आज क्यों? मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। साईयों साईयों